वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर तमाम प्रयासों के बावजूद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि शासन प्रशासन हर स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए दैनिक व्यापार या प्रतिदिन काम कर घर चलाने वाले लोगों को इस लॉकडाउन में सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुई है और हो भी रही है। इसका ताज़ा उदाहरण कोरबा के निहारका में देखने को मिला, जहां 12 साल के दो बच्चे अपने दिव्यांग पिता के साथ सब्जी का व्यापार करने के लिए निकल पड़े। आप देख सकते हैं जिन बच्चों को संक्रमण के दौरान घर पर रहना चाहिए, बच्चे पेट की खातिर या यूं कहे परिस्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं। इस हृदय विदारक वीडियो में देखा जा सकता है जिसमें दो बच्चों के द्वारा अपने पिता के साथ सब्जी का व्यापार किया जा रहा है। हालांकि सब्जी को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार स्थायी बिक्री करना प्रतिबंधित है ताकि भीड़ को एकत्रित होने से रोका जा सके। इसी दौरान मासूम बच्चे अपने पिता के साथ निहारिका में सब्जी का स्थायी बिक्री कर रहे थे, तभी पुलिस के जवानों ने उन्हें स्थायी दुकान नहीं लगाने की बात कही, जिसके बाद यह परिवार आगे की ओर बढ़ चला। क्या कहा इस परिवार के मुखिया ने, आइए सुनते हैं। आलू, कुंदरू, बंगला, प्याज, तो ये साला है, दोनों में 12-12 साल। 12-12 साल के बच्चों को आप इस भयावह संक्रमण में आप सब्जी बेचवा रहे हो? तो मैं तो अपाहिज हूं ना, अकेला कहां ठेल तो आप बच्चों को ही ठेलवा रहे हो? दोनों सबको साथ में मिल के कर रहे हैं, एक ही खेला होता है, पूरा मोहल्ला में घूमना पड़ेगा। अरे परिस्थिति में तो अब हम लोग भी भूखे मर जाएंगे अगर नहीं निकलेंगे तो। परिवार के मुखिया बच्चों के पिता ने बताया कि परिस्थिति के अनुरूप सब्जी बेचने के लिए मजबूर होकर मैं अपने बच्चों को साथ में लाया हूँ। स्थायी दुकान चलने के दौरान पढ़ाई करते हैं। इस वाक्य से स्पष्ट है कि जहाँ पुलिस के जवान संक्रमण के दौरान जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन कराकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं पेट की आग और विपरीत परिस्थिति ने एक मजबूर पिता को अपने 12 साल के बच्चों के साथ संक्रमण के बावजूद व्यापार करने को मजबूर कर दिया है। इस घटना में दोषी किसे कहा जाए? दोषी उस पुलिस को कहा जाए जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, या दोषी उस पिता को कहा जाए जो संक्रमण के बावजूद अपने बच्चों के साथ अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तपती धूप में सब्जी बेचने को मजबूर हैं, या यूं कहें कि विधाता का लिखा हुआ है। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वही इस घटना ने लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम आवश्यकताओं की सारी परिस्थितियों को परिभाषित भी कर दिया है। इस खबर का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराना है। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान हर परिस्थिति में दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। BNA 24 न्यूज के लिए गणेश साहू की खास रिपोर्ट।